हेलो गाइस, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको अपने 2 महीने का पीएनएल दिखाने वाला हूँ। जॉब मैंने जो है मार्च में छोड़ दिया था, और इसके बाद जो है मैंने क्या किया, 50,000 का मैंने एक एस्टिमेट रखा कि अगर मैं 50,000 डालूंगा इस अकाउंट में अपने जीरोधा में, हालांकि मैंने पूरा मनी एक साथ नहीं डाला था। मैंने अभी करीब करीब एक बार में 15,000 डाला, फिर 5,000 डाला, मीन्स नियर बाई 20,000 है इस समय मेरे जीरोधा के अकाउंट में। और मैंने यही टारगेट किया है कि अगर मेरा जो स्टॉप लॉस मीन्स टोटल अगर मेरा 50,000 खत्म हो जाता है तो मुझे वापस से जॉब पकड़ना पड़ेगा। तो मुझे जॉब छोड़े 2 महीने हो गए हैं, तो मैं आपको अपने 2 महीने का दिखाने वाला हूँ कि कितना मुझको लॉस हुआ है 2 महीने में, और जिस तरीके से चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि वापस से मुझे जॉब वापस से पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस ही हुए हैं 2 महीने में मेरे। और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है कि कैसे ट्रेड को अभी हैंडल करना है, जिस दिन अपना सेटअप नहीं बन रहा है उस दिन सेटअप को नहीं लेना है, कब मुझको अपने ट्रेड से निकलना है, कब अब मुझको प्रॉफिट बुक करना है, और काफ़ी कुछ मैं सीख भी रहा हूँ। और मैं इसके वीडियोस भी आपको डालता रहता हूँ ताकि आप लोग भी जो है सीखे उस चीजों से। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने जो है मार्च में अपना जो है जॉब छोड़ा, काफी अच्छा जॉब था, अच्छा खासा मीन्स बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो सैलरी था 35 से 40 के बीच में था। तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और मैं सोचा कि नहीं, मैं काफी टाइम से मैं शेयर मार्केट को देख रहा हूँ, काफी टाइम से चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं सीखता हूँ वही चीज़ें मैं आके वीडियोस बनाता हूँ। और आप लोग से भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला है, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखा है, काफ़ी लाइक किया है, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। चलिए अब दिखाते हैं कि क्या मेरा रहा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको क्या करता हूँ, मैं छोटा छोटा कर देता हूँ अपने। अब देखते हैं, ये जीरोधा में ही मैंने 2 महीने में ट्रेड किया, उससे पहले मैं इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं किया था। तो पीएनएल देखते हैं, तो हम इसको करते हैं ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करना सीख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन एक अलग लीग ही है। मीन्स ऑप्शन को ट्रेड करना, मीन्स अगर आपको ट्रेडिंग आता है लेकिन उसके बाद भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अलग से सीखनी पड़ेगी। मीन्स ऑप्शन में जो है आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। आप फ्यूचर लेते हो या फिर कोई स्टॉक में बाई करते हो तो आप जो है इसमें जो है स्टॉप लॉस रख के आप वेट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में जो है क्या होता है टाइम के साथ, मिस मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और 50,000 में मैं केवल ऑप्शन बाइंग ही कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। ऑप्शन सेलिंग करने के लिए अगर मैं हेजिंग करता हूँ तो कम से कम तब भी मुझे 60 से 70 या 80 हज़ार रुपये तक लगभग लगभग चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। तो चलिए पहले पहले मार्च से पहले का दिखा देता हूँ कि आप लोग को मालूम चले कि मैंने कुछ ट्रेड और तो नहीं किए थे। तो फेब्रवरी करता हूँ और इधर, तो मैं आप लोग को क्या करता हूँ, पहले फरवरी से पहले का अपना जो है प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ कि आप लोग को मालूम चले कि मैंने उससे पहले ट्रेडिंग नहीं किया है इस अकाउंट में, क्या मैंने इसमें इससे पहले मैंने ट्रेडिंग किया है नहीं, और मैंने ऑप्शन से कर रहा हूँ। तो दिखा देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 2022 फरवरी से लेता हूँ और 2023 फरवरी तक का लेता हूँ। बीच बीच में मैंने थोड़े बहुत ट्रेड किए हैं इस अकाउंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया है। तो देखिए, केवल अक्टूबर के मंथ में मैंने किया था, नेट लॉस मुझको हुआ था 860 रुपये, वो मुझे नेट लॉस हुए थे। मैंने 4 ट्रेड लिए थे जिसमें जो है 2 में प्रॉफिट हुए थे, 2 में मुझको लॉस हुए थे। तो ये है मेरा फरवरी से पहले तक का, मीन्स जब तक फरवरी तक का है मेरा, 2023 के पहले तक का है ट्रेड। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, मैंने केवल और केवल फ्यूचर मीन्स ऑप्शन में ही ट्रेड लिया था, एक एक लॉट में ही ट्रेड लिया है। ये 50 आपको इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि सेम मैंने जो है स्ट्राइक प्राइस को दोबारा मैंने ट्रेड किया होगा। तो ये था मेरा फरवरी से पहले का था। अब चलिए देख लेते हैं फरवरी के बाद का, मीन्स अब मैं मार्च का महीने से का दिखाने वाला हूँ आपको कि मैंने मार्च से जो है ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने मार्च में कितना अपना लॉस किया।
अकेले मेरा मार्च में ही 4,000 का लॉस हो गया था, जिसमें से 900 रुपये जो है टैक्स कट गए थे, मैं 3,111 जो है मेरा इसमें लॉस हुआ था, रियलाइज प्रॉफिट लॉस, और टोटल जो है मेरा 4,000 का लॉस हुआ था। तो अगर देखेंगे तो मेरा 1, 2, 3, 4 दिन प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है 6 दिन लॉस हुआ था, उसमें से एक मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था, ये 2,200 का मेरा लॉस हो गया था। और ये लॉस मुझे तो मतलब मालूम ही नहीं चला कि कितना जल्दी, हमें कुछ 2 या 3, 10 या 20 सेकेंड में मुझे ये 2,200, 2,300 का लॉस दिखाने लग गया था। हालांकि उस दिन मैंने ये जो है दो लॉट में ट्रेडिंग कर दिया था, कि जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे ये कंटिन्यू जो है प्रॉफिट हुए थे ना, तो मुझे लगा कि इसमें भी जो है मैं जो है अब जो है ट्रेडिंग सीख गया हूँ, चलिए लॉट बढ़ा देता हूँ। मीन्स मैंने कुछ 4 या 5 ट्रेड किए होंगे, उसके बाद ही मैंने अपना जो है लॉट बढ़ाने की सोच लिया था। और जिस दिन मैंने अपना लॉट बढ़ाया, उसी दिन कुछ ही सेकेंडों में मेरा जो है 2,200 का लॉस दिखाने लगा था। तो मैं इसमें अपना जो है लॉस काट के निकला, और मुझे बहुत बड़ा झटका था ये 2,200 रुपए का लॉस, तो बहुत बड़ा झटका था। जहां पे मैं मंथली सोच रहा था कि मंथली मैं 5,000 का लॉस लूंगा, और वहां एक दिन में मुझको 2,200 रुपए का लॉस हो गया था। तो ये लॉस बहुत ही बड़ा था। उसके बाद कंटिन्यू 3 दिन मुझको प्रॉफिट हुए थे, छोटे छोटे प्रॉफिट हुए थे। एक में 711 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, एक में 490 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, एक में 191 रुपए प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 796 रुपए का लॉस हुआ, 752 रुपए का लॉस हुआ, 616 रुपए का लॉस हुआ, 396 रुपए का लॉस हुआ। तो इस तरीके से लॉस भी हुए हैं। चलिए अब देख लेते हैं, मार्च का हो गया, अब जो है अप्रैल का दिखाते हैं। अप्रैल का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो मेरा जो है मार्च में हुआ था लगभग लगभग 4,000 का लॉस, और मेरा फिर अप्रैल में मेरे को हुआ है लगभग लगभग 3,000 का लॉस। देखिए 3,000 का लगभग लगभग लॉस हुआ था, जिसमें से कि मेरा रियलाइज लॉस तो और भी कम है, मीन्स 1.6 के ही लॉस है, मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा लॉस गए इसमें, क्योंकि मैंने अप्रैल में ज़्यादा ट्रेड लिए थे, ट्रेड ज़्यादा किए थे। और जो है ये लास्ट वीक तो मेरा बहुत बड़ा जो है खराब गया था, इसमें मुझे बहुत लॉसेस हुए लास्ट वीक में। और इस अप्रैल में भी मुझको लगभग लगभग बहुत ही लॉस ही हुआ है, लगभग लगभग 3,000 का लॉस हुआ है। देख लेते हैं, 176 रुपये का लॉस हुआ है, 67 रुपये का लॉस हुआ है, 200 इस महीने में सबसे बड़ा लॉस ये सबसे ज़्यादा रेट दिख रहा है, 448 रुपये का सबसे बड़ा लॉस था। और सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है 321 रुपये का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। मीन्स अभी भी लॉस मेरे ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये भी चीज़ है कि जो है मुझको जो है सुधारने की ज़रूरत है। हालांकि मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो जाता है कि मीन्स कभी कभी जो है लॉस आपके हो जाते हैं, और भी तो लॉस इसमें ज़्यादा ही हो रहा है। तो अभी मैं टोटल देख लेता हूँ मार्च और अप्रैल दोनों मिला के। हाँ, तो मेरा टोटल हो चुका है लगभग लगभग 7,000 का लॉस हो चुका है मेरा 2 महीने में। और मैंने अपना टारगेट जो मेरा जो कैपिटल है 50,000 का, तो मैंने यही सोच रखा है कि 50,000 का लॉस तक मैं लॉस लूंगा, उसके बाद मुझे और फिर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता, मीन्स अगर मैं किसी स्टॉक में अगर ये ट्रेडिंग कर रहा होता, तो मैं काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में होता, क्योंकि मैं मेरा जो ट्रेड था, जिस मार्केट जिस जिधर जा रहा था मेरा ट्रेड उधर ही होता था। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है ना, कि मीन्स आपका स्टॉप लॉस होने से पहले ही स्टॉप लॉस हो जाता था, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत जल्दी से ऑप्शन अप डाउन होता है, तो ऑप्शन के मूवमेंट को भी समझने में मुझको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मेरा जो है लॉस हो रहा है। और अगर ये ऑप्शन की जगह मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग किया होता, तो मैं अभी प्रॉफिट में हुआ होता, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन ऑप्शन ही मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे ऑप्शन काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, और काफ़ी जल्दी इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो ये मुझे चीज़ ऑप्शन का बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही चीज़ दिखाना था दोस्तों, हो सकता है आप लोग को भी मोटिवेशन मिले और आप लोग भी सीखो इस चीज़ों से। तो बस इतना ही था गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप लोग भी अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो।
और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप लोग को एक जर्नी दिखे आपकी, क्या एक आप लोग मुझसे काफी रिलेट कर पा रहे होंगे, तो आप लोग को एक जर्नी दिखेगी और हो सकता है फिर आप लोग जो है काफी कुछ सीखने को मिले। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू गाइस।